आर सोनी न्यूज खबर आप। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सिप्लग्राम कार पार्किंग में मौजूद ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि ताजमहल से महज 700 मीटर की दूरी पर यह ट्रांसफार्मर था जहां पर आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर हैं और बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन आग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगी हुई है और पूरे तरीके से काला धुआं उठ रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल के पास आए लोगों और ताजमहल में घूमने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आप अमीर कादिर की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई ट्रांसफार्मर के अंदर। बताया जा रहा है कि पहले ट्रांसफार्मर के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद इसमें आग पकड़ लेती है और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची तब तक आग पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर को खाक कर चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन सभी की यहाँ पर मेंटेनेंस लगातार होती है, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद इसमें आग लग गई। आपको बता दें आग लगने की वजह से आगरा इलाके में तकरीबन 2 घंटे तक बिजली भी गुल रही, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी हुई। ये आपको बता दें कि ताजमहल से महज 700 मीटर की दूरी पे है जहां पर ये आग लगी थी। आर सोनी न्यूज की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन करें www.rsoninews.com, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलेंगी। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर हमारे चैनल को इसको देख रहे हैं तो आप Facebook के पेज को लाइक करें। तो देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आज ही लॉग इन करें www.rsoninews.com।